वेलकम गाइस वी क्लासेस चैनल। वी क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या क्या है और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हमारा पहला क्लास है सिंप्लीफिकेशन का। तो आज हम अपना पहला क्लास सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको जीरो टू हाई लेवल तक के क्लासेस मिलेगी। सिंप्लीफिकेशन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए हम सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे कि बोर्ड मास क्या है, पर अब इसमें कुछ अपडेट आ गया है। अब ये बोर्ड मास नहीं बल्कि भी बोर्ड मास हो गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे कि भी बोर्ड मास है क्या। वी से होता है वेनिकुलम बार। वी से वेनिकुलम बार, जैसे कि आप 8-2 के ऊपर बार, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। बी से होता है ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। एम से होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद ए से होता है एडिशन। एस से होता है सब्सट्रैक्शन। वेनिकुलम बार ब्रैकेट, ऑफ से ऑफ मतलब गुना, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, एडिशन मतलब जोड़ और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वेनिकुलम बार में क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार, जैसे कि 8-2 का ऊपर बार, ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। या फिर आपको बोला जाता है 0.7 का ऊपर बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7777…… इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं बी। बी से होता है ब्रैकेट, जैसा कि मैंने अभी बताया। ब्रैकेट आपको तीन तरह का होगा, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट। इसमें हम लोग एस से सॉल्व करेंगे, मतलब सबसे पहले इसे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, देन उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं। ऑफ मतलब गुना होता है, ये सब तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल होते हैं। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास आना चाहिए। तो इधर हम लोग साइड में लिखते हैं वी बोर्ड मास। और इसमें देखेंगे एक एक करके कौन सा रूल पहले लग रहा है। पहले क्या है? वी मतलब वेनिकुलम बार, इसमें कोई भी बार नहीं है। उसके बाद आता है ब्रैकेट, मैंने तीन तरह का ब्रैकेट बताया था, पर इसमें कोई भी ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, मतलब मल्टीप्लाई गुना, इसमें भी आपको ये ऑफ कहीं नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डी फॉर डिवाइड। अब आते हैं डिवाइड, तो डिवाइड आपको यहां पर दिख रहा है, तो 11/11 को करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिए, 11+11 × 11 माइनस
वन, उसके बाद क्या है एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लस 1 टू 1 माइनस 1। उसके बाद क्या है एडिशन, एड मतलब जोड़, आप दोनों को जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 1 माइनस 1, 1 3 1 इसका आंसर है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए। सबसे पहले इसे करने के लिए हम लोग को वी बोर्ड मास आना चाहिए, अगर आपको वी बोर्ड मास नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखेंगे कि वी मतलब वेलकुलम बार, इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी बार नहीं है, ये नहीं लगेगा। बी से ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। ऑफ मतलब होता है ऑफ का, इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। अब आता है डिवाइड, डिवाइड है देखिए आपको लास्ट में डिवाइड दिख रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 बाय 11 1 1 आएगा, इसको यहां पे लिख दिए, डिवाइड खत्म हो गया। अब आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है देखिए 11 गुना 11 121 आएगा, मल्टीप्लाई खत्म। अब आपका है एडिशन, एडिशन है 11 प्लस 121 को जोड़ेंगे तो 132 आएगा, ये भी खत्म। अब लास्ट में 132 में से 1 को माइनस करेंगे तो 131 आपका फाइनल आंसर आएगा। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया था कि सबसे पहले आपको वी बोर्ड मार्क साइड में लिख लेना है, ये आपको कुछ क्वेश्चन तक करना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं वी वेनिकुलम बार, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको बार नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं लगेगा। ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहा है आपको तो ब्रैकेट को पहले हम लोग तोड़ेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट का अंदर वाला काम करेंगे। तो क्या है ब्रैकेट का अंदर वाला काम, 26 माइनस 26, 13 गुना 2 26, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचा यहां पे क्या डिवाइड 2 प्लस 1, यहां पे आपका बचेगा 1, डिवाइड 2 प्लस 1, ब्रैकेट हो गया ऑफ हो गया। अब आता है डिवाइड, आपको डिवाइड करना है 1 बाई 2 प्लस 1, आगे देखिए तो 1 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 252 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 51 माइनस कर्ली ब्रैकेट 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस 8 प्लस 7 के ऊपर बार है। ये इस क्वेश्चन में ये चीज नया है सबके लिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देन फाइनल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग साइड में क्या लिखते हैं वी बोर्ड मास, अब देखते हैं कि इसमें वी बोर्ड मास है, यहां पे आपको दिख रहा है तो वी बोर्ड मास को सॉल्व करने का क्या रूल है देखिए, 8 प्लस 7 का ऊपर बार है, चाहे इसके बगल में कुछ भी साइन हो प्लस हो या फिर माइनस हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, पहले हमको जो ऊपर में बार है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15, समझ गए, 8 प्लस 7 का ऊपर बार है जिसमें बार रहेगा सबसे पहले आप लोग को उसको सॉल्व करना है, तो 8 प्लस 7 15 हो गया, क्लियर। आगे देखिए यहां तक आप लोग समझ गए कि 15 कैसे आया, अगर मानते हैं कि 8 माइनस 8 प्लस 7, अगर सिर्फ इनके ऊपर बार रहता तो क्या करते, ये माइनस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 8 प्लस 7 का ऊपर बार है तो सिर्फ पहले 8 प्लस 7 को सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 7 15 हो गया, उसके बाद माइनस देंगे। चलिए क्वेश्चन को आप देखते हैं,
ये आपका सॉल्व हो गया, यहां से सॉल्व होके आपका कितना आया, इसको हटाकर इधर लिख देते हैं, इसको सॉल्व करके आया आपका 15 और यहां पे है 9 माइनस 15। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए आप लोग कितना आ रहा है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना -6 आएगा, -6। अब देखिए यहां पे 27 माइनस और यहां पे -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 33 यहां पे आया आपका। मतलब इस पोर्शन को सॉल्व करने से हमें मिला 33। अब इसमें देखते हैं, अब क्या बोला है कि 51 में से 33 को माइनस कर देना है, कितना आएगा माइनस करने पे, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 आ गया। अब लास्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, यहां पे डिवाइड का साइन है, 252 डिवाइड 18। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में जा रहा है, तो पहला एक बार में जा रहा है 18, उसके बाद आपको 7 बचेगा, 4 बार में जाएगा 72, एक बार में 18, 7 बचा, 7 इसमें आ गया, 18 चौक 72, नहीं तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, एक बार में गया 18 बचा 7 18 चौक 72 होता है, तो इसमें आपका फाइनल आंसर 14 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो वो एक बार फिर से देख लें। फिर से देख ले जिन्हें नहीं समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमको कुछ टाइम ये लिखना पड़ेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग यहाँ वी बोर्ड मास लिख लिए, वी तो वेलिकुलम बार, देखिए इसमें आपको वेलिकुलम बार दिया हुआ है 8 प्लस 7 के ऊपर, ये दोनों को एड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 माइनस, ये दोनों को सॉल्व करने से मुझे -6 आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 माइनस -6, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 33। तो हम लोग इस पूरा ब्रैकेट को सॉल्व किए तो हमारा आया 33 आया। आप हम लोग सॉल्व करेंगे 51 को, अब 33 यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब 51 माइनस 33, तो 18 आएगा, 18 आया। अब यहाँ पे 252 का देखिए 20 में डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर दिए 18, डिवाइड करके हम लोग देखे तो कितना आ गया 14, तो 14 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है। 72 डिवाइड 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 15 प्लस 12 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट है 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 का ऊपर बार है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास इधर लिख लेना है साइड में, आप देखना है कि वी मतलब वेलिकुलम बार, सबसे पहले बार है तो हाँ यहाँ पे मिला हम लोग को, तो ये दोनों को 7 प्लस मतलब 5 प्लस 7 को एड करना है, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 12, वहां पे आपको 12 मिला। उसके बाद आगे का देखना है 9 प्लस 6 माइनस 12, तो इसमें देखिए 9 प्लस 6 माइनस 12। अब बहुत कुछ को समझ में नहीं आ रहा कि पहले माइनस करें या पहले प्लस करें, तो हम देखते हैं वी बोर्ड में हमारा जो पहले रहेगा हम उसको करेंगे, वी बी ओ डी एम, एम से मल्टीप्लाई ए, ए मतलब एडिशन, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे 9 प्लस 6 15 15 माइनस 12, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने से हमारा कितना आया 3, यहाँ पे लिखिए इसको पूरा सॉल्व किए तो हमारा 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक माइनस का साइन है,
से लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन है, पर हम लोग पहले सॉल्व प्लस को करेंगे क्योंकि एड के बाद है सबसेक्शन, पहले जोड़ फिर घटाओ, पहले जोड़ देंगे तो 5 + 2 = 7, 1 + 1 = 2 - 3 कितना आ गया 24। तो आपका पूरा यहां तक का सम जो है 24 आ गया, इट मीन 24 आ गया। अब इधर देखते हैं, ब्रैकेट का काम आप खत्म हो गया, अब आते हैं इसमें, अब इसको डिवाइड करना है 72 डिवाइड 1/2 72 डिवाइड 1/2 × 24 ये गुना का साइन है। अब देखिए कट गया 12 बार में 12 × 2 = 24, 72 को 12 से डिवाइड करना है तो 12 × 6 = 72 होता है, ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए इसीलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अगला 5वां क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार हम वी बोर्ड मार्क्स नहीं लिखेंगे, इस बार डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले वी बोर्ड मार्क्स मतलब देखिए वेलिकुलम बार है, तो सबसे पहले हम लोग बार को हटाएंगे तो 28 - 29 = 28 - 29 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, इसको सॉल्व करने से -1 आएगा, माइनस 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 मिल के हो गया प्लस, और 27 + 1 = 28 यहाँ हो गया आपका, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने से आपके पास 28 आया। अब यहाँ पे है 26 - 28 करेंगे तो आपका आ जाएगा -2, मतलब यहां तक पूरा आप सॉल्व कर लिए -2 आ गया। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, यहां तक सॉल्व करने से -2 आया। इसके बाद देखिए 25 - -2 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 25 + 2 हो जाएगा 27। अब आते हैं यहां पर लास्ट स्टेप क्वेश्चन का, 24 - 27 तो आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल -3 आपका आंसर। और ये क्वेश्चन आपका एएलपी में आया हुआ है, एएलपी 2018 में। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आ गए हैं सिर्फ हम लोग उन्हीं को देखेंगे और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। अगर आपका कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो आज के लिए थैंक्स।